उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर सरकार ने कानून क्या बनाया, अब विवाद शुरू हो गया। जहां एक ओर विपक्ष बीजेपी सरकार को घेर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब योगी सरकार के खिलाफ पूर्व नौकरशाहों ने मोर्चा खोल दिया है। इसी पर आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। यूपी में लव जिहाद कानून पर विवाद। 104 पूर्व नौकरशाहों का मुख्यमंत्री को पत्र। लव जिहाद कानून पर जताई आपत्ति। कानून को बताया अल्पसंख्यकों के खिलाफ। पत्र लिखने वालों में पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, विदेश सचिव निरुपमा राव और प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार रहे टीके ए नायर जैसे कई बड़े पूर्व आईएएस अफसर शामिल हैं। पत्र में उन्होंने प्रदेश को नफरत की राजनीति का केंद्र बताया। पत्र में कहा गया है कि धर्मांतरण विरोधी पूर्व नौकरशाहों की मांग है कि यह कानून फौरन वापस लिया जाए। पत्र में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश एक समय गंगा जमुनी तहजीब को सींचने वाला राज्य था, लेकिन अब इस कानून के आने से नफरत फैल रही है। इन रिटायर्ड अफसरों ने इस अध्यादेश को पूरी तरह से गैर कानूनी बताया है। अल्पसंख्यकों को हो रही है परेशानी। पत्र में पूर्व नौकरशाहों ने लिखा है कि ये कानून अल्पसंख्यकों को परेशान करने की साजिश है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलाओं से शादी कर उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालते हैं, लेकिन ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। ये एक तरह का अत्याचार है जो युवाओं के खिलाफ किया जा रहा है। पूर्व अफसरों ने अपने पत्र में पिछले हफ्ते मुरादाबाद में हुई कथित घटना का जिक्र किया है, जिसमें बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर राशिद और सलीम नाम के शख्स को मारा पीटा गया और बाद में एक पुराने मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें राशिद ने पिंकी नाम की लड़की से शादी की थी और वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। आरोप है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की मारपीट में पिंकी का गर्भपात हो गया। इस तरह एक बिजनौर का मामला भी इसमें बताया गया है। इसमें एक अल्पसंख्यक लड़के पर जबरदस्ती 16 साल की हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया गया था, जिसे बाद में लड़की और उसकी मां दोनों ने इनकार कर दिया था। कोर्ट का भी हवाला दिया। पूर्व अफसरों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि अगर लड़का और लड़की नाबालिग हैं और खुद की मर्जी से शादी कर रहे हैं तो इसमें कहीं से भी कोई अपराध नहीं है। कोर्ट ने पिछले महीने एक ऑर्डर दिया जिसमें किसी के व्यक्तिगत रिश्तों में दखल देना स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। लव जिहाद पर एक एक कर कई प्रदेश कानून बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इन बड़े आईएएस अफसरों के पत्र ने एक बार फिर लव जिहाद पर विवाद खड़ा कर दिया है। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री को लिखे इस पत्र का जवाब अफसरों को क्या मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।